नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी रिया, जिसमें ड्रग्स के बारे में होती थी बहुत सी बातें। सुशांत केस के दौरान बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, जो यकीनन लोगों को काफी चौंका रहे हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती और ड्रग माफियाओं के रिश्ते पर चर्चा हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि रिया सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी, जिसके लिए वो कई ड्रग प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्टैक्ट में थी। इस नए मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसमें रिया चक्रवर्ती अकेली ऐसी एक्टर नहीं जो ड्रग प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्टैक्ट में थी, बल्कि वो ऐसे कई ग्रुप्स में ऐड थी जिनमें ड्रग्स से लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती थी। सोर्सेस की माने तो ईडी ने ऐसे कई ग्रुप्स पाए हैं जिनमें ड्रग्स को लेकर बातें होती थी। इसी खोजबीन में ईडी के हाथ ऋषभ ठक्कर नाम का एक शख्स लगा है, जो ड्रग्स सप्लाई करता है। ऋषभ ठक्कर जुहू में रहता है और ईडी ने उससे 8 घंटे तक पूछताछ की। सोर्सेस की माने तो ये भी जानकारी सामने आई कि जांच में मिले कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप काफी अलग है। इस ग्रुप को उदयपुर ट्रिप के लिए खास करके बनाया गया है, जिसमें ऋषभ ठक्कर और कुणाल जानी नाम के दो लोग हैं। बताया जा रहा है कुणाल जानी एक होटल का मालिक है और उसने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। इन चैट्स के आधार पर कुणाल जानी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाया था। सुनने में आ रहा है कि कुणाल ने रिया को अपना अच्छा दोस्त बताया है। उसने कहा है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन वो कई पार्टीज का हिस्सा रह चुका है।